जिले के नागरिक कोविड-19 गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे नागरिकों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर का मुख्य कारण बनेगी। आपको बता दें कि शहर में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण वापस लौट रहा है। गत दिन प्राप्त सैंपल रिपोर्ट में भी एक दो व्यक्तियों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बावजूद लोग मास्क सहित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे, शहर के मुख्य बाजार व प्रमुख चौराहे पर भी लोग बिना मास्क के घूमते आसानी से देखे जा रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों पर पूर्व में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन चालानी कार्रवाई करता था, लेकिन वर्तमान में भी इस चालानी कार्रवाई का दौर भी थमा हुआ है। यही कारण है कि लोग प्रतिदिन कोविड गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चिंतन का विषय है कि करीब करीब 150 दिन शांत रहने के बाद नीमच में 2 कोरोना पॉजिटिव सीआरपी में पाए गए। प्रशासन तो सावधानी बरते ही बरते, मगर आम नागरिक भी कहीं ना कहीं सावधानी बरते, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, अगर भीड़ भाड़ में जाना आवश्यक हो तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। प्रशासन को भी थोड़ा सा जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को वापस से समझाइश देनी पड़ेगी और कुछ हद तक सख्तियाँ भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन अगर सख्ती नहीं बरतता है तो आम उपभोक्ता, आम नागरिक कहीं भी बेपरवाह रहता है और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करता है। भीड़ भाड़े वाले आयोजन, चाहे वो किसी भी तरह के हों, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या वैवाहिक, उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। वर्तमान में देख रहे हैं कि राजनीतिक आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहे हैं, सामाजिक आयोजन एवं शादी के नाम पर कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी की जाती है, तो ऐसी दोहरी नीति क्यों? कोरोना खाली राजनीतिक रैलियों के माध्यम से आए या सामाजिक रैलियों के माध्यम से आए या वैवाहिक समारोह के माध्यम से, ऐसा तो नहीं है। कोरोना तो जहाँ भीड़ होगी वहाँ हमला करेगा, भले वो राजनीतिक रैली हो, सामाजिक रैली हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो। तो प्रशासन को, खास करके मैं प्रशासन से ये कहूँगा कि अभी तक जो हमने देखा है सामाजिक रैलियों पर, धार्मिक आयोजनों पर एवं वैवाहिक समारोह पर, तो रोक लगाता है, दुकानें बंद कराता है, बाजार बंद कराता है, मॉल बंद कराता है, आम नागरिकों से उम्मीद करता है, मगर साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में प्रशासन हमेशा उदासीन रहा है। पिछला लॉकडाउन हो या उसके पूर्व का लॉकडाउन, उसके पहले व बाद हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से राजनीतिक रैलियां हुई है, राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि कम से कम आम उपभोक्ताओं पर बंदिश लगाए, मगर राजनेताओं पर भी, वो किसी भी दल के हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको भी कहीं ना कहीं चेतावनी देनी चाहिए कि आप भी अपने राजनीतिक आयोजन छोटे स्तर पर करें। देखिए कि नवरात्रि से ही ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो चला गया। अमूमन नीमच में मास्क लगाना लगभग बंद हो चुका है, कोई इक्के दुक्के लोग मास्क लगा कर घूम रहे हैं, यहाँ तक कि हम दुकानदार लोग भी बिना मास्क के बैठे हुए हैं। पर अब ये आपने बताया है कि अभी सीआरपी में विगत 6-8 दिन के अंदर 2 पॉजिटिव केस अगर आए हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है। और इसके अलावा जो खबरें इंदौर से भी आ रही हैं और दूसरी जगह से भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। कोरोना फिर से अगर अपना पैर फैला रहा है तो यह एक तरह की खतरे की घंटी है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि एक बार पुनः शासन प्रशासन को इसको लेकर सख्ती शुरू करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं तो भी जनता को जागरूक करने के लिए एक अभियान छोटे मोटे चलाए जाने चाहिए।